कांग्रेस की ओर से इस विवादित बयान पर क्या प्रतिक्रिया आई है, अब वो सुनिए। यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है या उसका क्रमशः प्रमाण है। यह केवल एक घटना नहीं है। 2007 में सोनिया जी ने मौत के सौदागर बोला था, 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आह्वान किया गया और आज ये बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। तो फौरन बीजेपी ने इस पे पलटवार किया और साथ ही आपको बताएं कि इस पूरे मामले में अब कैसे एफआईआर दर्ज होने के बाद जब सफाई मांगी गई तो ये भी कहा गया कि उन्हें अपने बयान पर किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। कांग्रेस की ओर से इस विवादित बयान पर क्या प्रतिक्रिया आई है, अब वो सुनाते हैं। पर शेख हुसैन है, नागपुर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि जैसे किसी कुत्ते की मौत होती है सड़क पर, वैसे नरेंद्र मोदी की मौत होती है। क्या इस तरह की बयानबाजी ठीक है कांग्रेस नेता? जब गंदी गालियां प्रधानमंत्री देते हैं कांग्रेस नेतृत्व को, उसको भी इसी तर्ज पर उठाते, मैं खंडन करता हूं। कांग्रेस के अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा तो ये तो हम इसको सिरे से नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनका उनका द्वेष हो सकता है कांग्रेस पार्टी से, वो बदले की आग में धधक रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, पर हम उनका सम्मान करेंगे विनम्रता से और सादर से। और मैं सबको कहूंगा प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कोई बात कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कहे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कहा है कि उद्धव सरकार अब क्या एक्शन लेगी। ऐसे वक्तव्य करने वालों पे क्या राजद्रोह उद्धव जी ठाकरे लगाने वाले? जो मंत्री वहां पे बैठे उस मंच पे, उसका रिजाइन उद्धव जी ठाकरे लेने वाले या देश का अपमान करने वालों को क्या सजा उद्धव ठाकरे देने वाले? ये महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि एक प्रधानमंत्री का अपमान करना मतलब पूरे देश के जनता का अपमान करना। ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।